आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर एक, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 83। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे पिछले दिनों आप ही के द्वारा आस्क टीसीपी 82 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के सही जवाब देने का। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है दिनेश जी का, चुरू राजस्थान से। ये लिखते हैं, सर मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है जिसमें एल इंसेट है और गवर्नर सी रंगराजन। सर इस नोट में गांधी जी की फोटो के नीचे महात्मा गांधी के नाम की जगह एम के गांधी लिखा है, कृपया सर इसके बारे में जानकारी देवें। और साथ ही इन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है यह लिखकर कि आपके कार्य बहुत ही सराहनीय और ज्ञानवर्धक है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच दिनेश जी हमारी हौसला अफजाई के लिए। सर शुरुआत में जब गांधी जी के पोर्ट्रेट नोट पर छापे गए थे तब एम के गांधी ही सभी नोटों पर लिखा जाता था, लेकिन बाद में उसे महात्मा गांधी कर दिया गया। तो यह एक कॉमन नोट है और इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस 20 रुपए से 50 रुपए तक है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है रोहतास बिहार से अशोक कुमार जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास एक कॉइन है 1/4 रुपी 1940 कोलकाता मिंट का, इसकी क्या प्राइस हो सकता है? सर 1940 जार्ज फिफ्थ 1/4 रुपये के कॉइन सिल्वर में डाले जाते थे। इनका वजन होता था 2.91 ग्राम, साइज 19 mm, शेप सर्कुलर। बॉम्बे और कलकत्ता इन दोनों मिंटों द्वारा यह सिक्के डाले जाते थे। वर्तमान मार्केट प्राइस 150 से 300 रुपये। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है ओम प्रकाश जी का, खाचरोद उज्जैन से। ये लिखते हैं, मेरे पास 500 का 2018 का नोट है जिसका नंबर 8LB*874718 और प्रीफिक्स नंबर F है, क्या इसको कलेक्ट करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। ओम प्रकाश व्यास जी, स्टार नोट को जरूर कलेक्ट करना चाहिए। अभी भी स्टार नोट के कलेक्टर काफ़ी कम हैं इंडिया में। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और हमारा सुझाव भी है कि आपको इसे कलेक्ट करना चाहिए। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है यूसुफ खाटके जी का, धोराजी गुजरात से। 20 रुपी 100 नोट UNC हैं, YV रेड्डी A प्रीफिक्स R इनसेट, नो प्रिंट ईयर, वैल्यू क्या होगी? यूसुफ जी, ऐसे नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 20 रुपए से 50 रुपए तक। 100 नोट UNC पैकेट के आपको 2500 से 3000 रुपए तक मिल सकते हैं। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है ये लिखते हैं, मेरे पास 2 रुपए स्टील का 2006 बॉम्बे मिंट का एक क्रॉस कॉइन है जिसका डायमंड मिंट मार्क दूसरे सेम मिंट कॉइन से बड़ा है और 2006 लिखा हुआ भी सेम मिंट कॉइन से काफी पास पास है और 2006 का 6 तो एकदम अलग है सेम मिंट कॉइन से। इस कॉइन के बारे में मैंने नंदू जाट जी, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उस पर देखा है कि ये कॉइन एक ऑक्शन में 62,000 तक बिका है। अगर ये बात सही है तो कृपया कर बताइएगा जरूर। सर मेरे पास ये कॉइन है और मैं इसे सेल भी करना चाहता हूँ, तो सर प्लीज मार्गदर्शन करें, आप सही राय देते हैं। सर हम सही राय देते हैं इसीलिए तो कुछ लोग नाराज भी हो गए हैं, जो लोगों को लूटा खसोटा करते थे उनकी दुकानदारी बंद हो गई है। और ये जो नंदू जाट जी हैं इनका काम भी ऐसा ही है, यह एक फ्रॉड है। और आपके पास जो कॉइन है उसकी वर्तमान मार्केट प्राइस अधिकतम 5 रुपए चल रही है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है अंसारी जी का, कोटा राजस्थान से। जानना चाहते हैं 1 रुपी नोट एलके झा सी इनसेट की पैकेट की वैल्यू। सर एलके झा सी इनसेट वाले 1 रुपीस के नोट 1957 में जारी किए गए थे। वर्तमान मार्केट प्राइस 10 से 12 हजार रुपए, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, डिमांड एंड सप्लाई। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है यूपी से प्रदीप जायसवाल जी का। ये लिखते हैं,
सर मैंने कभी कोई एग्जीबिशन नहीं देखी, तो क्या सर बनारस में कोई एग्जीबिशन लगेगा? कृपया जरूर बताएं। सर आपके वीडियो से बहुत जानकारी प्राप्त हुई है, थैंक यू सो मच। प्रदीप जायसवाल जी, सर बनारस में तो किसी एग्जीबिशन की जानकारी फिलहाल हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा बहुत से शहरों में एग्जीबिशन लग रही है जो हो सकता है आपके शहर के आसपास हो। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में हमने आने वाले 6 महीनों के सभी एग्जीबिशन की जानकारी दी है। लाठी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है। आलोक प्रधान जी ने लिखा है, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर ओरिजिनल फोन नंबर, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। थैंक यू आलोक प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। मनदीप जी ने लिखा है, जो नंबर आप वीडियो में बता रहे हो वो तो स्विच ऑफ आ रहा है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको फोन नंबर देते वक्त ही बता दिया था कि हमारा नंबर आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारा नंबर हमेशा चालू नहीं रहेगा। तो अब इसको मैं मतलब अलग वे में बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई समस्या आती है, आपके घर में बार बार लाइट बंद होती है, तो आप क्या करते हो, इन्वर्टर ला सकते हो। इन्वर्टर ले आए तो अब नई समस्या कि इन्वर्टर की बैटरी बैठ जाती है कुछ दिनों बाद, या इन्वर्टर चार्ज नहीं होता है। तो हकीकत में इस संसार में आप किसी भी समस्या को ट्रांसफर कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते। पहले आपकी क्या समस्या थी कि राजज्ञानी का नंबर नहीं है, अब आपकी क्या समस्या है कि राजज्ञानी का नंबर तो है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। मेरा फ़ोन चालू हो जाएगा तो फिर क्या समस्या हो सकती है कि फ़ोन भी चालू है, नंबर भी है, लेकिन फ़ोन उठता नहीं है। फ़ोन उठने लग जाएगा उसके बाद में ये समस्या आएगी कि हमारे सिक्के नहीं खरीद रहे। चलो मैंने सिक्के खरीदना भी चालू कर दिए, उसके बाद में क्या समस्या आएगी कि सिक्के तो खरीद रहे हैं लेकिन पैसे कम दे रहे हैं। तो इस संसार में समस्या आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने आपको फ़ोन नंबर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया है कि आप फ्रॉड लोगों से बचें। जब भी आपको कोई व्यक्ति फ़ोन करके बताता है कि ये राजज्ञानी का नंबर है, मैं राजज्ञानी के ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं उसका नौकर बोल रहा हूँ, मैं उसका मैनेजर बोल रहा हूँ, या एक्स वाई जेड कुछ भी बोल रहा हूँ, तो आप यह समझ जाएं कि वो सभी लोग फ्रॉड हैं, इस वजह से मैंने आपको अपना नंबर दिया है। अभी भी जिसके पास नंबर नहीं हो, पिछला वीडियो जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो में हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। लेकिन फ़ोन नंबर तभी लें जब आप में धीरज हो। आप 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 बार भी फ़ोन लगाने की इच्छा रखते हों तभी आप फ़ोन नंबर लें, नहीं तो कृपया मेरा फ़ोन नंबर नोट न करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मेरे पास ऊपर वाले ने 24 घंटे का ही समय दिया है, और मैं ईमानदारी से पूरा प्रयास करता हूँ, उन 24 घंटों में से कुछ वक्त आप लोगों के लिए चुराता हूँ, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने कामकाज से और बाकी सारी चीज़ों से, और उसके बाद में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और आज भी ऐसा होता है कि कई कई बार मुझे रातों को जागकर वीडियो बनाना पड़ता है, उसकी शूटिंग करना पड़ती है, एडिटिंग करना पड़ती है। तो आप इस चीज़ को समझें और कृपया सहयोग दें। हमें आप सभी लोगों का भरपूर प्यार और साथ चाहिए, क्योंकि वही हमारी एनर्जी है, और आपके द्वारा दी गई एनर्जी से ही हम लोग आगे काम कर पाते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, मेरा फ़ोन रोज़ चालू होता है, समय निश्चिंत नहीं है, सुबह 6 बजे भी हो जाता है, 10 बजे भी हो जाता है, शाम को 8 बजे भी हो जाता है। मेरा फ़ोन रोज़ चालू होता है, मैं रोज़ बात करता हूँ, लेकिन सैकड़ों में से 1, 2, 4, 5 लोगों का नंबर आता है, और इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाता हूँ। आने वाले दिनों में अगर हो सका तो हम ज़्यादा लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये मान लें कि आपके पास नंबर आ गया है। बात कब होगी? जब ऊपर वाला चाहेगा, ठीक है। लेकिन हम आपसे ज़रूर बात करते हैं, और आप फ़ोन रिकॉर्डिंग चैनल पर भी देख ही रहे होंगे कि हम रोज़ बात कर रहे हैं, कई लोगों से बात कर रहे हैं, आपका नंबर भी आएगा। आप निराश ना हो और अपना प्यार यूं ही देते रहें। आप में से कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि आपने फ़ोन नंबर दे दिया है लेकिन फ़ोन तो बंद आता है, ये उस सवाल का जवाब था। और उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमें कमेंट करके थैंक यू बोला है फ़ोन नंबर देने के लिए। तो आप सभी का शुक्रिया कि आपने हमें धन्यवाद दिया और आपने हमारी भावनाओं को समझा, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वीडियो का आखिरी सवाल लाठी द्वारा निकल कर आया है। दरअसल एक ही सिक्के के बारे में 2 अलग अलग कमेंट आए हैं, तो उन दोनों कमेंट का रिप्लाई मैं आपको दे रहा हूँ। पहला कमेंट आया है अंकेश जी का, ये लिखते हैं, सर मेरे पास 5 रुपीज़ कॉइन 2000 का हैदराबाद मिंट का है, इसकी मार्केट प्राइस क्या होगा? और इसी सिक्के से रिलेटेड एक और कमेंट आया है राम रहीम सिंह डेविड जी का, ये लिखते हैं, सर मेरे पास 5 रुपीज़ कॉइन सन 2000 का हैदराबाद मिंट का है, अमेरिका वाले बोल रहे हैं इसकी कीमत 55,000 हो गई है, आप बताओ बेच दूं कि नहीं, कीमत और बढ़ेगी, 5,500 रुपये बैंक की कमीशन लगेगी। अंकेश सिंह और राम रहीम सिंह जी,
और बाकी सभी भी जो यह वीडियो देख रहे हैं, हैदराबाद मिंट द्वारा ढाला गया 5 रुपये का सिक्का, जो कि सन 2000 में एक्चुअल में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और मास्को इन 5ों मिंटों द्वारा ढाला गया था और यह बहुत ही कॉमन सिक्का है। आपको जो अमेरिका वालों ने 55,000 का ऑफर किया है और साथ में उन्होंने 5,500 रुपये की कमीशन मांगी, मैं क्या करूँ आप बताइए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इतनी बार बता चुका हूँ कि किसी भी तरह की कोई कमीशन सिक्के बेचने के लिए नहीं लगती है। किसी भी जगह पे आप 1 रुपये भी कमीशन नहीं देना होता है और ना ही किसी तरह का कोई बैंक चार्जेस देना होता है। ना आपको आपके खाते का नंबर, OTP, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ नहीं देना होता है। ये जो 55,000 रुपये आपको अमेरिका वाले दे रहे हैं, एक्चुअल में ये लोग इंडिया में ही होते हैं और फ्रॉड आईडी से आपसे संपर्क करते हैं, इंटरनेट के द्वारा फ्रॉड नंबर जनरेट करते हैं, आपसे चैटिंग करते हैं और किसी भी आम सिक्के को 50,000, 55,000, लाख, 2 लाख या करोड़ रुपये का बताकर आपके मन में लालच बिठाते हैं। और यदि आप उस लालच में फंस जाते हैं तो आप अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से हाथ धो बैठते हैं। अभी आपसे 5,500 रुपये मांगे हैं, फिर 10,000 मांगेंगे, फिर 15,000 मांगेंगे, ऐसे करके कुछ ना कुछ करके वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपसे लूट पाए, यही उनकी मंशा होती है और ऐसे ही काम वो करते हैं। तो आप सभी लोग सावधान रहें, जो भी व्यक्ति अपने कॉमन सिक्के महंगे बेचने के चक्कर में लालच में आ जाएंगे, उन सबको कभी ना कभी धोखा ही खाना पड़ेगा। कॉमन सिक्के कभी भी महंगे रेटों में नहीं बिकेंगे। कॉमन सिक्के जो होते हैं वो आम चलन के लिए होते हैं, वो विनिमय के लिए होते हैं। यदि आप कोई सौदा खरीदते करते हैं और उसमें जो लेन देन के लिए आपको 5-10 रुपये देना लेना पड़ते हैं, उसके लिए वो सिक्के बनाए गए हैं। हर एक सिक्का इतना महंगा नहीं होता है, सिर्फ वही सिक्के और नोट महंगे होते हैं जो रेयर होते हैं, जिनमें कोई खासियत होती है। किसी भी कॉमन सिक्के का यदि आपको कोई 50,000, लाख या 5 लाख रुपये बताता है तो आप कृपया लालच में ना आएं, आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा समझदार बने, होशियार बने, सचेत रहें, ऐसे धोखेबाजों के चंगुल से बचें, यही हमारी आपसे विनती है। इस सिक्के की कीमत वर्तमान में मात्र 5 से 10 रुपये चल रही है, तो आप सावधान रहें, आप किसी भी तरह की कोई फीस ना दें। तो देखा दोस्तों, यह तो थे आपके द्वारा आस्क टीसीपी 82 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के सही जवाब। यदि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। लेकिन यदि किसी कारण से आपको आपके सवाल का जवाब ना मिला हो तो भी आप निराश ना हो, हमें दोबारा से लिख भेजें आपका नाम, आपके शहर का नाम, #AskTCP के साथ पूरा सवाल। हम कोशिश करेंगे आपके द्वारा भेजे गए सभी सवालों के अगले आज TCP में जवाब देने की। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत विज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।